वेलकम बैक टू माई चैनल इजी लर्निंग 100%। तो एडिशन के हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाया था, तो अब वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा और इंटरेस्टिंग एडिशन आपको आगे है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो। कलर द पेटल्स हुज आंसर इज इक्वल टू नंबर इन द सर्कल। ओके, तो यहाँ पर कुछ पेटल्स दिखाई दे रहे स्टूडेंट। पेटल्स मीन्स बता देती हूँ आपको, फ्लावर्स के जो पेटल्स, जो पंखुड़ियां होती है उसे हम पेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के पेटल्स दिए हैं, तो उस पेटल्स पे देखिए स्टूडेंट कुछ नंबर्स लिखा है, मीन्स एडिशन नंबर है। तो प्लस में नंबर्स दिया है। अब आपको क्या बोला है कि कलर द पेटल्स हुज आंसर इज इक्वल टू नंबर इन द सर्कल। अब इस पेटल्स के बीच में स्टूडेंट आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, यस, इस पेटल में नंबर 8 लिखा हुआ है। ओके, तो आपको क्या बोला है कि कलर करना है उस पेटल को जो उस नंबर के इक्वल हो एडिशन करने पर। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम ले लेते हैं 6 + 2, 1 आपको करके दिया हुआ है, तो 6 में 2 प्लस करते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, बिग नंबर को माइंड में रखना है और जो स्मॉल नंबर है उसे फिंगर्स पे लेना है। तो 6 इन माई माइंड, 2 इन माई फिंगर। अब 6 के आगे आपको काउंटिंग करना है 2 फिंगर को, तो 6 के आगे क्या आता है स्टूडेंट, 7, 8। तो क्या 8 आ रहा है, यस, इट मीन्स आपको इस पेटल्स को ब्लू कलर करना है। ओके, सो कलर द पेटल, कोई भी कलर कर सकते हैं आप, बट यहाँ पर ब्लू करके दिया हुआ है, आप चाहे तो कोई भी कलर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 + 4 है, तो 4 बिग नंबर है, उसे हम माइंड में रख लेते हैं, 2 अपने फिंगर पे ले लेते हैं। तो 4 में 2 प्लस करते हैं, 4 के आगे 2 फिंगर लिया, तो 4 के आगे क्या आएगा, 5, 6। क्या ये 8 आया, नो, 6। तो इस पेटल्स को आपको कुछ भी नहीं करना है, कलर नहीं करना है। अब नेक्स्ट पेटल पे हम चलते हैं, तो 5 और 3 है, तो 5 बिग नंबर है, उसे माइंड में रखिए और 3 अपने फिंगर्स पे ले लीजिए। तो 5 के आगे चलिए काउंट करते हैं, 5 के आगे क्या नंबर आता है स्टूडेंट, 6, 7, 8। ओके, तो ये हो गया 8, तो मीन्स ये इक्वल है इसके, तो आपको इस पेटल को ब्लू कलर करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर कर रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 + 4, स्टूडेंट आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो 4 + 4 है, अब 4 दोनों भी सेम है, तो एक 4 आप अपने माइंड में रख लीजिए और 4 फिंगर पे ले लीजिए। अब चलिए 4 के आगे हम काउंट करते हैं, तो 4 के आगे आ जाएगा 5, 6, 7, 8। ओके, इट मीन्स ये भी इक्वल है 8 के, तो इसे इस पेटल को भी हम ब्लू कलर से कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट पेटल क्या है, 3 + 4, 4 बिग नंबर है, उसे माइंड में रखिए, 3 अपने फिंगर पे ले लीजिए। 4 के आगे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 4 के आगे क्या आता है स्टूडेंट, 5, 6, 7। तो हमें तो 8 नंबर चाहिए, तो 8 नहीं आया, 7 आया, तो क्या ये पेटल को कलर करेंगे, नो, इस पेटल्स को हमें कलर नहीं करना है। तो टोटल 3 पेटल्स हमारे कलर होंगे। चलिए नेक्स्ट हम में आ जाते हैं, यहाँ पर दिया है सर्कल में 9 नंबर। अब चलिए देखते हैं क्या एडिशन है, 5 + 4, तो 5 बिग नंबर है, 5 इन माई माइंड, 4 इन माई फिंगर। अब 5 के आगे क्या नंबर आता है स्टूडेंट, 6, 7, 8, 9, यस, ये 9 के इक्वल है, तो आप इसे ब्लू कलर करेंगे। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, मैंने ब्लू कलर ही प्रेफर किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 + 3, तो 4 बिग नंबर है, 4 इन माई माइंड, 3 इन माई फिंगर, सो 4 के आगे 5, 6, 7। ओके, तो 7 है, 9 नहीं आया, तो इस पेटल्स को हम कलर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है 6 + 3, तो 6 बिग नंबर है, तो 6 इन माई माइंड, 3 इन माई फिंगर, सो आफ्टर 6, 7, 8, 9, तो यस, ये 9 आ रहा है, तो इस पेटल को हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है 2 + 5, तो 5 इन माई माइंड, 2 इन माई फिंगर, 5 के आगे 6, 7, तो ये 7 आया है, मीन्स 9 के इक्वल नहीं है, तो इस पेटल को हम कलर नहीं करेंगे। आपको अब ये जो सम है, मतलब पेटल्स पे जो दिए हुए हैं, बहुत ही मजा आएगा करने में स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और भी आपको इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। सो एड द नंबर्स गिवन ऑन अ बटरफ्लाई एंड जॉइन इट विद द करेक्ट फ्लावर। ओके, मीन्स आपको कुछ यहाँ पर स्टूडेंट बटरफ्लाईज दिख रही है, यस, देखिए यहाँ पर बटरफ्लाईज है और उसके चारों तरफ कुछ फ्लावर्स दिए हैं, कलरफुल बटरफ्लाईज है और इसके साइड में पूरे कलरफुल फ्लावर्स हैं। ओके, ताकि आप बच्चे लोगों को बड़ा मतलब सम करने में अच्छा लगे, इसलिए यहाँ पर ये ड्राइंग करके दिया हुआ है, एंड जॉइन इट विद द करेक्ट फ्लावर। अब आपको क्या करना है, कौन सी बटरफ्लाई को किस फ्लावर
किस फ्लावर से मैच करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो बटरफ्लाई पे नंबर है उसे ऐड करने पे, मींस उसे प्लस करने पे कौन सा फ्लावर का नंबर आ रहा है उस फ्लावर को हम मैच कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं ये बटरफ्लाई, तो ये है 7 + 2, तो 7 बिग नंबर है स्टूडेंट, 7 को माइंड में रखिए, 2 अपने फिंगर पे ले लीजिए। 7 के आगे हम काउंट करते हैं 2 फिंगर तक, तो 7 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, 8, 9, तो आगे हमारा आंसर 9। अब चलिए देखते हैं कौन से फ्लावर पे 9 है। ये रहा नंबर 9, तो देखिए बटरफ्लाई के कलर से मैच कर रहा है ये फ्लावर, तो ये 9 नंबर हम कर देंगे मैच। ओके, मीन्स ये बटरफ्लाई जो है इस फ्लावर को चूज करेगी। अब नेक्स्ट दिया, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्काई ब्लू कलर का दिया हुआ है बटरफ्लाई। अब इस पे नंबर है 4 + 3, तो 4 बिग नंबर है, तो 4 को माइंड में रखिए, 3 फिंगर पे लीजिए। सो 4 के आगे 3 फिंगर तक हमें काउंट करना है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7। चलिए ढूंढते हैं नंबर 7 कहाँ है, ये रहा, तो ये फ्लावर जाएगा इस बटरफ्लाई के साथ। ओके, नेक्स्ट 6 + 2, तो 6 बिग नंबर है, तो 6 इन माई माइंड, 2 इन माई फिंगर, सो आफ्टर 6, 7, 8। चलिए ढूंढते हैं इस बटरफ्लाई का फ्लावर कौन है, ये रहा 8, रेड वाला, सो ये 8 से हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 7 + 0, ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया था 0 वाले चैप्टर में कि 0 मीन्स नथिंग, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे आंसर वो नंबर ही आता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस पे, तो 7 है तो आंसर 7 ही आएगा, 7 + 0 = 7, तो ये रहा 7, इसके जस्ट पास में ही दिया है, तो ये पर्पल फ्लावर से हम मैच कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 बटरफ्लाईज बच गई है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 5 + 1, अब 5 बिग नंबर है, उसे माइंड में रखिए, 1 फिंगर पे लीजिए, तो 5 के आगे क्या आता है स्टूडेंट, 6, तो ये आ जाएगा आपका 6, तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा फ्लावर है यहाँ पर, ये रहा ग्रीन वाला। ओके, तो हम 6 इससे मैच कर देंगे। अब लास्ट हमारा बच्चा है एक बटरफ्लाई 3 + 2, तो 3 बिग नंबर है, 3 को माइंड में रखिए और 2 फिंगर पे ले लीजिए, तो आफ्टर 3 क्या आता है स्टूडेंट, 3 के बाद 4, 5, तो आंसर है इसका 5। चलिए ढूंढते हैं 5 कहाँ है, ये रहा येलो फ्लावर, तो ये इसे हम येलो से मैच कर देंगे 5। बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट आपको ये करने में, मैच करने में फ्लावर को बटरफ्लाई से, और आपका एडिशन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।